पत्रकार के साथ अभद्रता करना पड़ा भारी, शराब ठेका हुआ सीज। जोधपुर दो दिन पूर्व पत्रकार सरस शर्मा नमस्ते राजस्थान समाचार पत्र के संपादक के साथ लोकू रोड पर संचालित शराब ठेकेदारों के गुर्गों ने पत्रकार के साथ अभद्रता के साथ मारपीट की। शराब ठेके के सामने सड़क किनारे अवैध रूप से अतिक्रमण हुई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को भी शराब बेचने वाले दुकान के लड़कों ने उकसाकर मारपीट करने को कहा और उन्होंने भी सरस शर्मा से बदतमीजी की और मारपीट की, जिसका मामला रातानारात थाने में पहुंचा और सरस शर्मा द्वारा FIR दर्ज करवाई गई। पत्रकारों ने एकता दिखाते हुए शराब ठेके के बाहर पहुंचे और आबकारी विभाग पुलिस प्रशासन को बुलाकर ठेके के अनियमितताओं से अवगत कराया। साथ में नियम विरोध चल रहे ठेकों को भी विभाग द्वारा सीज किया गया। मौके पर आबकारी CI पूजा भारत, आबकारी CI नितिन दवे और उनकी टीम मौजूदगी में शराब के ठेके को विधिवत सीज कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं पत्रकारों में रोष और शराब के ठेके के बाहर बड़ी संख्या की तादाद में पत्रकार पहुंचे और उन्होंने पत्रकार के ऊपर हुए जानलेवा हमले व मारपीट होने के कृत्य के बाद उनसे भारी नाराजगी देखी गई और जोधपुर के कई पत्रकार के संगठन पत्रकार पहुंचे और सभी पत्रकार आबकारी की कार्रवाई के बाद नगर निगम ऑफिस पहुंचे और वहां पर आयुक्त डॉक्टर अमित यादव के पास पहुंचे और उन्होंने पूरी घटना से अवगत कराया और लोकू रोड पर स्थित अतिक्रमण करने वाली झुग्गी झोपड़ी के बारे में जानकारी दी। अब तुरंत प्रभाव से आयुक्त महोदय के हरकत में आकर उन्होंने वहां पर अतिक्रमण प्रभारी दीपक कनौजिया को भेजकर झुग्गी झोपड़ियों को हटाकर कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके साथ ही जोधपुर के वरिष्ठ पत्रकार शरद लाल, डॉक्टर रंजन दवे, डॉक्टर मोइनुल हक, विजय कल्ला, जमील अंसारी, सुभाष सिंह, चंद्रशेखर व्यास, गिरीश शर्मा, मनोज गिरी, परलंकर जोशी, जितेंद्र पुरोहित, अश्विन व्यास, रमेश सारस्वत, इम्तियाज अहमद, वीरेंद्र निकुब, नावेद खान, महेश व्यास, भूपेंद्र डांगी, डॉक्टर बाबूराम सरगरा, रफीक भाई, समीर खान, रमेश पटेल, अमित व्यास, विजय सिंह, वरुण जोशी, जितेंद्र दवे, दानिश खान, मुकेश डागा, गौरव सोनी, प्रदीप सोनी, धीरेंद्र भाटी, चेतन चौहान, गजेंद्र जांगीर, हैदर अली, दिलावर खान, विजय ओझा, लक्ष्मण मोतीवाल, लक्ष्मण राठी, मनोज शर्मा, प्रकाश पंचारिया, चेतन चौहान, गंजेंद्र जांगीर, इमरान खान, वसीम अख्तर, सुमित पुरोहित और भी पत्रकार मौके पर कार्रवाई के दौरान उपस्थित रहे। दुकान से जो है एक्स्ट्रा दरवाजे खिड़कियां बनी हुई है और जो ये है टाइम के अलावा ये लोग बेचान कर रहे हैं और नीचे जो है इन्होंने पोल बना के वहाँ से भी बिक्री होती है तो उसके लिए हमने आज ये दुकान का अभी टेम्पररली हमने इसको सील किया है। कल सुबह हमारे एक सिपाही के प्रेजेंस में दुकान खोली जाएगी और चेक की जाएगी, उसके बाद नियमानुसार जो विभागीय कार्रवाई होती है वो इनके विरुद्ध अमल लगेगा। ये जोधपुर में हर दुकान पे ये ऐसी कैसी घटनाएं हैं, ऐसी कैसी है, अब हर दुकान पे आप जाके चेक कीजिए, ये चीज मिलेगी आपको? हर दुकान पे निरीक्षण समय अनुसार होता है मैडम, होता है तो इतना मतलब आज जोधपुर में कितनी दुकान है उसमें आपको बता, अपनी साथ में चल के बता सकते हैं आपको कितना हो रहा है। जैसे मैं क्या कह रही हूँ आप लोगों को, इसमें जो सामने आई चीज आप लोगों ने पूरी बात बताई, ये तो एक मामला हुआ, हर दुकान के नीचे एक पाइप डाला हुआ है अलग से छेद है, ये तो घटना होने के बाद आपके सामने आई, ये तो प्रेस वालों की एकता है जो आपके सामने आई है। और इसके सामने दर्ज हो रहे हैं, कितनी इनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ हो रही है, ये आप लोगों के सबके पास उपलब्ध हो? नहीं, ये तो कार्रवाई सही ढंग से होती नहीं है, सीज होगी तो दुकान में अगर एक सप्ताह सीज रहती है दुकान में तो दूसरी बार एक आने की कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं रखते। इसका पावर है जिला आबकारी अधिकारी को और ऊपर आयुक्त साहब को पावर है वैसे, और उसके अलावा ये जो अपने ये आप जो बता रहे हो कि दुकान में ये हुआ है, छेद किया हुआ है, सुरंग बनाया हुआ है, उसके लिए सीज नहीं होती है, अन्य जो नियम अनुसार जो कार्रवाई है वो हम करेंगे। थैंक यू।